एक बार की बात है, नरसापुर गांव में चमन नाम का एक जमींदार रहता था। वो लगभग 60 साल का था। उसकी पत्नी की मौत 2 साल पहले हो गई थी। तब से उसका बेटा राघव और उसकी बहू संध्या बड़े प्यार से उसकी देखभाल कर रहे थे। एक रात चमन गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसने एक जोर की आवाज सुनी तो उठ बैठा, लेकिन उसे कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया। गौर करने पर उसे समझ आया कि शोर छत के नीचे बनी टांड से सुनाई दे रहा है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? तभी एक नन्हा सा भूत टांड से चमन पर कूद पड़ा। उसे देखकर चमन डर से कांपने लगा और फिर उसने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुम मुझे पहचाने नहीं? मैं एक भूत हूँ। मैं अपने घर में तमाशा करके सबको परेशान कर रहा था, इसीलिए सब मुझ पर चिल्लाए और मुझे बाहर खेलने भेज दिया। इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी टांड पर खेलने आ गया। तुम्हारी ये टांड खेलने के लिए बहुत अच्छी है। तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इस उम्र में मैं तुम्हारा शोर नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। पड़ोसियों के घर में एक बड़ी सी टांड है, वहां जाकर खेलो, ठीक है? मैं तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी ना पहुंचाऊंगा। तुम्हें सोना है तो सो जाओ, मैं तो खेलना चाहता हूँ, खेल के चला जाऊंगा। ठीक है, जो मर्जी करो। जमींदार क्या करता, जाकर लेट गया। वो नन्हा भूत फिर टांड पर जाकर खेलने लग गया, लेकिन उसके शोर से चमन सो नहीं पा रहा था। चमन ने उससे कई बार कहा कि शोर मत करो, लेकिन भूत ने शोर मचाना बंद नहीं किया। फिर सुबह होने के ठीक पहले नन्हे भूत ने चमन को उसकी टांग खींच के उठा दिया और बोला, तुम्हारे घर की टांड पर खेलने में बड़ा मजा आया, मैं आज रात फिर आऊंगा। ऐसा कहकर वो नन्हा भूत चला गया। फौरन चमन ने अपने बेटे बहू को बुलाया और सारी बात बताई तो उसका बेटा राघव बोला, पिताजी, मैं आपसे ये कहने के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन भूत असलियत में नहीं होते हैं, ये आपकी कल्पना हो सकती है। नहीं मेरे बेटे, मैंने भूत को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उससे बात भी की है। मैंने कई बार कहा, लेकिन उस नन्हे भूत ने मेरी एक नहीं सुनी और टांड पर बैठकर पूरी रात शोर मचाता रहा। पापा, एक काम करते हैं ना, आज रात हम आपके कमरे में सोएंगे, आप हमारे कमरे में सो जाइए। चमन अपनी बहू की बात पर खुशी से राजी हो गया। वो अपने कमरे की बजाय उस रात अपने बेटे के कमरे में सोने चला गया। जब वो सोने ही जा रहा था, उसने अचानक कुछ शोर सुना। वो नन्हा शरारती भूत चमन के सामने खड़ा था और चमन को गुस्से में देख रहा था। मैं तुमसे कहकर गया था कि मैं रात में तुम्हारी टांड पर आकर खेलूंगा, फिर तुम दूसरे कमरे में क्यों आ गए हो? अरे मैं जहाँ चाहूंगा वहाँ सोऊंगा, ये मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से रहूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें उसी कमरे में सोना होगा, तभी मुझे उस टांड पर खेलने में मजा आएगा। जाओ और उन्हें फौरन जगाओ, चलो इसी वक्त कमरा बदलो। नहीं, मैं इसी कमरे में सोऊंगा, तुम चाहे जो कर लो। देखो, अगर तुम इसी तरह अड़े रहोगे तो मैं सारे गाँव का कचरा ला कर तुम्हारे घर में डाल दूंगा, सोच लो, तुम्हारी मर्जी। नन्हे भूत ने जब ये बात कही तो चमन डर गया और वही करा जो नन्हा भूत चाहता था। जब चमन ने कहा कि वो अपने कमरे में ही सोएगा तो राघव और संध्या ने हैरान होकर कमरा बदल लिया। फिर रात भर उस नन्हे भूत ने वहां शोर मचाया और बल्कि इस बार और ज्यादा। उस नन्हे शरारती भूत ने चमन को एक पल भी नहीं सोने दिया। फिर सुबह होने से पहले ये कहकर चला गया कि वो रात में फिर आएगा। जैसे ही नन्हे भूत ने घर छोड़ा, चमन ने सारी बात अपने बेटे और बहू को फिर बताई। पिताजी, आपकी कल्पना है, ये ऐसी कोई चीज अस्तित्व में होती ही नहीं। पापा, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अगर वो भूत कचरा लाकर हमारे घर में डालेगा तो मैं उसे साफ कर दूंगी, है ना? इतना नहीं सोचिए और हमारे कमरे में शांति से सो जाइए, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। बहू की बात सुनकर चमन को राहत मिली। वो नन्हा भूत उस रात फिर चमन के पास आया और उसे धमकाया, लेकिन चमन इस बार नहीं डरा।
जब नन्हे भूत ने कहा कि वो गांव का सारा कचरा लाकर घर में डाल देगा तो चमन बोला, कोई बात नहीं, मेरी बहू साफ कर देगी, तुम्हें जो भी लाना है ले आओ। इससे वो नन्हा भूत नाराज हो गया। फौरन उस नन्हे भूत ने कुछ मंत्र पढ़े और चमन का रूप धर लिया और उस कमरे का दरवाजा खटखटाया जहाँ राघव सो रहा था। राघव और संध्या उस कमरे में सो रहे थे। राघव नींद में उठा और पूछा, क्या हुआ पिताजी, आपने मुझे आधी रात उठा दिया, क्या उस भूत ने आपको फिर धमकाया है? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेटे, इस कमरे में मेरे लिए सोना ज्यादा आरामदायक है, तुम्हारे कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही। इस तरह नन्हे भूत ने चमन बनकर उससे कहा। चमन, उसके बेटे और बहू ने फिर कमरा बदला। तुरंत नन्हा भूत चमन को ले आया और उसे कमरे में लेटा दिया और फिर से टांड पर शोर मचाना शुरू कर दिया। चमन ने परेशान होकर पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों सता रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कब छोड़ोगे मेरा घर तुम? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे घर की टांड पर खेलूंगा और तुम्हें इसी कमरे में सोना है। नन्हे शैतान भूत ने अपनी रोज की बात दोहराई। चमन बेहद दुखी हो गया और बिस्तर पर बैठ गया और उसके बाद नन्हे ढीठ भूत ने फिर से टांड पर बैठकर शोर मचाना शुरू कर दिया। शंकर नाम का एक आदमी रामगढ़ गांव में रहता था। वो अनाथ था और एक झोपड़ी में रहता था। शंकर बहुत आलसी था। जब भी उसे भूख लगती वो गांव में घर घर जाकर खाना मांगता और जो कुछ भी लोग देते वो खाकर अपना पेट भर लेता। गांव के लोग उसे डांटते भी, अच्छे भले हो, कुछ काम क्यों नहीं करते हो तुम, जाओ और जाकर कुछ काम ढूंढो, समझे? उनके ताने सुनकर एक दिन उसका जमीर जागा और वो पास के एक शहर कुछ काम करके पैसे कमाने निकला। लेकिन भावुकता में ये नहीं ध्यान रखा कि जा कहाँ रहा है। रास्ते में अंधेरा होने लगा और वो चलते चलते थक भी गया था। तब वो एक जगह सुस्ताने बैठ गया और सब ओर देखने लगा। वो ये देखकर चौंक गया कि वो परसिला पाड़ू के पास है। आसपास के गांव वाले परसिला पाड़ू से डरते थे। लोगों का मानना था कि उस गांव के मलबे पर जो कुछ साल पहले नष्ट हो गया था, भूत और शैतान आकर लड़ाई करते थे, इसीलिए वहाँ दिन के समय भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो लोग ये बात नहीं जानते हुए रात के वक्त वहाँ गलती से पहुँच गए थे वो सुबह में अधमरी हालत में मिले थे। लेकिन गरीब और आलसी शंकर वहाँ पहुँच चुका था। कुछ साहस जुटाकर उसने आसपास एक बार नजर घुमाई तो कोई भूत नहीं दिखाई दिया। उसे कुछ रस से भरा एक मिट्टी का घड़ा मिला, उसने उसे ले लिया। जब शंकर ने आधे से ज्यादा वो रस पी लिया तो वो भूल ही गया कि वो कौन है और कहाँ है। पगला सा गया। एक दीवार के पीछे खड़ा भूत ये सब देख रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था। शंकर ने उस रस को पी लिया था और अब अपने आपे में ही नहीं था। उसने भूत को देखा और उस पर चिल्लाया, ए, तुम कौन हो? तो भूत जोर से हंसा, मैं भूत हूँ, मुझसे कुश्ती करोगे? शंकर को उसके उकसाने पर तो जोश ही आ गया और उसने भूत की ओर देखा। लेकिन वो भूत एक भूत की तरह नहीं दिखता था। गले में मफलर, लकड़ी की चप्पलें, कान में बालियां और शेर की मुद्रा वाले कंगन पहने भूत एक विद्वान लग रहा था। शंकर आपे में था नहीं, जोश में बोला, आ जाओ कुश्ती करता हूँ, दम है तुम में, आओ आ जाओ, आओ आओ। ऐसा कहकर शंकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि ये बुड्ढा तो एक मुक्के में ही गिर पड़ेगा। लेकिन भूत कुश्ती में निपुण था और वहाँ आने वालों को कई सालों से पीट रहा था। शंकर और भूत के बीच कुश्ती शुरू हो गई और पहले ही दाव में भूत ने उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया। शंकर का सर जैसे ही जमीन पे टकराया वो एकदम सामान्य हो गया और उसे याद आया कि वो तो परिसपू के मलबे पर ही है और डर गया। अरे भाई मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा। इस तरह शंकर ने भूत से प्रार्थना की।
पहले तुमने कहा कि तुम कुश्ती करोगे, है ना? तो चलो करो फिर। ऐसा कहकर वो भूत उसके सीने पर चढ़ के बैठ गया और उसका गला दबाने लगा। शंकर डर गया। उसने सोचा कि मरना तो निश्चित है, फिर क्यों ना आखिरी कोशिश की जाए। तुरंत उसने भूत का सर पकड़ा और उसे नीचे खींच दिया। उस भूत के सर पर एक छोटी सी चोटी थी, हाथ की छोटी उंगली के बराबर। जब शंकर ने उसका सर पकड़ा तो भूत ने अपना सर छुड़ाने के लिए जोर से आगे पीछे हिलाया। इससे भूत की चोटी निकल गई और शंकर के हाथों में आ गई। कितना दर्द कर रहा है, भूत कराहा और शंकर को छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ओ, बच गया। ये सोचकर शंकर खड़ा हो गया। भूत की चोटी अभी भी शंकर के हाथ में थी। शंकर, मेरी चोटी मुझे वापस कर दो। भूत के इस तरह विनती करने पर शंकर में हिम्मत आ गई और वो बोला, नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं सबक सिखाऊंगा तुम्हें। ऐसा कहकर शंकर तो वहाँ से भागने लगा। उसे भागते देख भूत ने रोते हुए कहा, शंकर, मेरी चोटी तुम्हारे तो किसी काम की नहीं, लेकिन अगर इसके बगैर मैं भूतों के पास गया तो वो मुझे चिढ़ाएंगे। मुझे माफ कर दो, चोटी वापस कर दो। ओ, ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया। शंकर खुशी के मारे भूत के कंधों पर चढ़कर बैठ गया। भूत कलगी निकल जाने से अपनी सारी ताकत गवा चुका था। वो प्रार्थना करने लगा, अगर तुम मेरे कंधों से उतर जाओ और मुझे मेरी चोटी वापस कर दो तो मैं परिसुपु के मलबे से तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगा। उसमें सोना होगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुन लो शंकर, बात सुन लो मेरी। उसकी बात सुनकर निकम्मा शंकर तो बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा कि उस खजाने की बदौलत वो आसपास के गांव का जमींदार बन सकता है। लेकिन उसने कुछ सोचा और फिर भूत से बोला, ठीक है, पहले खजाना लेकर आओ, फिर चोटी वापस करने के बारे में सोचूंगा। अगर मैंने भूत की चोटी उसे वापस कर दी तो उसमें फिर ताकत आ जाएगी और वो मेरा गला भी दबोच सकता है। उधर वो भूत परिसपू के मलबे पर गया और एक बड़ा सा खजाने से भरा घड़ा लेकर आया जो चमक रहा था। जब शंकर ने घड़े को खोला तो उसमें सोने के सिक्के पाए जो जगमगा रहे थे। मुझे मेरी चोटी वापस करो, भूत ने विनती की। शंकर ने एक पल सोचा और बोला, नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा, तुम्हारा क्या भरोसा। अगर चोटी पाने के बाद तुमने फिर से मेरी गर्दन पकड़ ली तो इसीलिए ये घड़ा लेकर मेरी झोपड़ी चलो। उस भूत के पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था। वो अपनी बदकिस्मती पर उदास हो गया। खजाने का घड़ा उठाकर भूत शंकर के पीछे पीछे उसके गांव चल दिया। शंकर की झोपड़ी गांव के एक ओर थी। वो अंधेरे में चुपचाप झोपड़ी पहुंच गए। गांव में किसी ने उन्हें नहीं देखा। शंकर ने खजाने का घड़ा लिया और झोपड़ी में उसे सुरक्षित गाड़ दिया। फिर उसने दरवाजे के दो पार्टों के बीच की थोड़ी सी जगह से भूत को उसकी चोटी दी। ये लो और चले जाओ। उसने झोपड़ी का दरवाजा कस के बंद कर दिया। उस भूत ने चोटी को वापस सर पर लगाया और बोला, आज तो तुम मुझसे बच गए शंकर, परिसपू के इलाके में फिर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भूत ने शंकर को धमकाया। शंकर ने घड़े का सोना बेच दिया। फिर आलसी शंकर सबसे अमीर शंकर बन गया। लेकिन हाँ, शंकर उसके बाद मलबे की ओर कभी नहीं गया। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।